हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं वेडिंग एनवेलप्स क्रिकेट की मदद से। सबसे पहले मैंने क्रिकेट डिज़ाइन स्पेस एप्लीकेशन ओपन कर दी और उसमें नया प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अभी हम शेप्स में जाएंगे और शेप्स में से हम स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें ई वेडिंग एनवेलप बनाना है, ये हमारे इंडियन करेंसी के लिए है। सो मैं उसकी हाइट और विड्थ 3.5 बाय 7.5 सेट कर रही हूँ और आप एडिट में जाके कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव कर दिया है फ्यूचर यूजर्स के लिए। सो नेक्स्ट सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड में जाऊँगी और अपनी गैलरी में से मैंने डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया है। ये जो पैटर्न की डिज़ाइन है उसको मैं अपने प्रोजेक्ट में अपलोड कर दूँगी। ये हमारे प्रोजेक्ट में पैटर्न पेपर का काम करेगी। ये प्रिंट देन कट ऑप्शन में होगा। अगर आपके पास मेकर 3 नहीं है और प्रिंट देन कट नहीं कर सकते हो तो आप कोई सा भी पैटर्न पेपर ले सकते हो। अभी ये एनवेलप जो हमें पूरा बनाना है तो उसके लिए मैंने ये साइड के फ्लिप्स ले ली है, ये भी मैंने शेप्स में से लिए हैं। उसके बाद मैं एक और स्क्वायर ले लूँगी जो नीचे का पोर्शन बनाएंगे, उसकी भी हम हाइट और विड्थ सेट कर देंगे। सबकी विड्थ तो 7.5 ही रहेगी, हाइट आप अपने जो ली है मेन उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अभी जो ऊपर का पोर्शन है जो क्लोजिंग फ्लैप है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे इमेज में जाके शेप सर्च किया और वहाँ से मैंने एक शेप सिलेक्ट कर लिया है और उसका भी मैं यहाँ पे साइज़ एडजस्ट कर दूँगी अपने एनवेलप के साइज़ के हिसाब से। अभी ये हमारे सारे पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली सेट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे के कलर सेम कर दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे वो सिलेक्ट किया और एडिट में जाके कलर सिलेक्ट कर लिया। नाउ अभी हमें जो एनवेलप को फोल्ड करना है वहाँ पे स्क्रॉल लाइन लगानी है, तो मैं शेप्स में जाऊँगी, वहाँ से लाइन ले लूँगी और ऑपरेशन में जाके उसको कर दूँगी स्क्रॉल। अभी हमें जहाँ जहाँ से हमें एनवेलप को फोल्ड करना है उस साइड पर हमें स्कोरिंग लाइन को ऐड कर देना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बेस शेप है उसको हमें सिलेक्ट करके कंबाइन कर देना है और उसके ऊपर हमारी रहेगी स्कोर लाइन और इस तरीके से आपका एनवेलप का बेस रेडी हो जाएगा। अभी ये हमारा बेस प्रॉपरली रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एनवेलप येलो कलर का बनाया है और सेम उसी को डुप्लीकेट कर दिया है क्योंकि मुझे सेम साइज़ के ही चाहिए थे और उसको भी मैंने एडिट करके उसका भी कलर मैंने चेंज करके रेड कर दिया है। नाउ हमें क्या करना है कि ये जो हमारी पैटर्न है जो पेपर हमने पहले अपलोड किए थे उसको हमें एनवेलप के फ्रंट साइड पे आए उस तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ अरेंज करके देख सकते हो और ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया और अभी हम देखेंगे कि ये कैसा लुक देगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। नाउ अभी हमें उसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैं गणेश जी और राधा कृष्ण का एनवेलप बनाने के लिए सोच रही थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी अपलोड करके रखी है वो मैं चेक कर रही हूँ और यहाँ से मैंने मेरे पसंद के कुछ इमेजेस को प्रोजेक्ट में लोड कर दिया है। मैंने गणपति पापा और राधा कृष्ण की इमेज सेट करके ऐसे डिज़ाइन बना ली है। अभी नेक्स्ट होगा हमारा प्रोजेक्ट कट करने के लिए मशीन में भेजना। अभी ये हमारी मैट आ गई, एक ये प्रिंट देन कट की दो मैट है, उसके बाद ये शेप के लिए है। यहाँ पे मैंने एक येलो पैटर्न पेपर ले लिया है और दूसरा हमारा ब्लू कलर का है, उसके लिए भी मैंने सेम ब्लू पैटर्न पेपर ले लिया है। अभी नाउ हमें इसको प्रिंटर में सेंड करना है। आपके प्रिंटर से कनेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रॉपर सेटिंग कर लीजिए पेपर की और प्रिंटर में सेंड कर दीजिए। यहाँ पे हमारी प्रिंट आउट कट के आ चुकी है रेडी। अभी ये हमने लोड कर दी है मशीन के अंदर और हमारे पेपर का कटिंग भी स्टार्ट हो चुका है और हमारे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन कट हो गई है। नाउ अभी देखते हैं कि कैसे कट हुआ है। ये बहुत ही अच्छे नीटली कट हो के आ चुका है। चलिए अभी हम एक डिज़ाइन को निकाल के भी देख लेंगे। ये मैंने डिज़ाइन निकाला, ओह नाइस, ये बहुत ही अच्छे से कट होके आ चुकी है। अभी हम सारे डिज़ाइंस को निकाल देंगे और ऐसे ही मेरे दूसरे पेपर का भी कटिंग होके आ चुका है। अभी मैं सारे कटिंग हो गए, अभी बारी है हमारे पैटर्न पेपर को कट करने की और उसको भी हम वन बाय वन मशीन में लोड करके कट कर लेंगे।
सो अभी हमारे सारे पीसेस हो चुके हैं रेडी। अब बारी है इस सब को असेंबल करके एनवेलप के ऊपर स्टिक करने की। सो चलिए अभी हम वो पोर्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले रेड एनवेलप्स लिए हैं और उसके ऊपर मैंने वन बाय वन मेरे दिमाग में जो डिज़ाइन सोचे थे उस हिसाब से स्टिक करना स्टार्ट कर दिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन और ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए, और इस हिसाब से आप और भी कोई एनवेलप बना सकते हो। यहाँ पे मेरे दो एनवेलप रेडी हो चुके हैं और ये मैं और दो एनवेलप के काम कर रही हूँ, और ये दो एनवेलप भी अभी बन के हो गए हैं रेडी। सो अभी हमारे सारे एनवेलप्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।